उसका आई में सिलेक्शन हो गया था मैं इस बात को लेकर के बड़ा खुश था uh, मेरा वो आई नहीं है मेरा वो फोकस नहीं है कि मैं आई आई टी जेई जैसे टफ एग्जामिनेशन क्लियर करता हूँ मैं एक ट्वेल्थ ड्रॉप आउट हूँ ट्वेल्थ फेलियर हूँ और वो अब एक आई आई है मैं अपने पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी कोटा आके बर्बाद कर रहा हूँ एंड दिस चेंज माई पर्पज ऑफ क्लियरिंग जे यू कॉन्ट कनेक्ट डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड हाई माई नेम इज राज आई एम परसिंग माई बी टेक इन आई टी डेली इन एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग आई क्लियर माई जे ई इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड माई ऑल इंडिया रैंक वॉज थ्री जीरो वन फाइव इस रैंक तक का सफ़र कुछ इस तरीके से शुरू होता है मेरी कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गाँव से मध्य प्रदेश में उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गाँव है जहाँ मेरे पिताजी की एक किराने की दुकान है बचपन से ही स्कूलिंग के साथ साथ हमें किराने की दुकान पर बैठाया गया और एक मिडिल क्लास फैमिली में जब आप एक मीडियम स्केल बिज़नेस ओनर के घर में बर्थ लेते हो तो आप से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप उम्र से पहले बड़े हो जाओ आप परिवार की और बिजनेस की जिम्मेदारियां समझो सिक्स स्टैंडर्ड में मुझे मेरी कजिन सिस्टर ने आई आई टी जेई आई आई टी एन की लाइफ स्टाइल और आई आई टी के बारे में बताया और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे बड़े होकर के आई आई टी में ही जाना है या एक आई आई टी एन बनना है और बहुत जल्द लाइफ ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी जब मैं आई आई टी जाने के अपने सपने को शुरू कर सकता था उस जर्नी को शुरू कर सकता था मैं अपने छोटे से गाँव से निकल करके दो 2018 में कोटा पहुँचा कोटा में मेरे अकेडमिक सेशन की शुरुआत कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की एक बहुत ही इमोशनल पिच पिच से शुरू हुई और उस पिच ने वहाँ बैठे हर स्टूडेंट को यह कन्विंस कर दिया था कि उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से अब हमारा आईआईटी में एडमिशन पक्का है हर सुबह मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट जाता कोचिंग इंस्टीट्यूट में चार से पाँच घंटा फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना कोचिंग से हॉस्टल वापस आकर के सेल्फ स्टडी करना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डीपीपी पी शीट्स पीवाईक्यूज एचसी वर्मा इरोडा इसी में सारा दिन ख़त्म हो जाता मैं और मेरे फ्रेंड्स हमेशा आई आई टी ए आई आर वन आई आई टी जेई सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे बात किया करते चाहे फिर हम लंच कर रहे हो ब्रेकफास्ट कर रहे हो डिनर कर रहे हो या फिर संडे को टेस्ट देने के बाद गप्पे लड़ा रहे हो और आई आई टी जे की प्रिपरेशन के साथ जो एक सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये कि प्रिपरेशन आपको बहुत सुहानी लगती है बहुत अच्छी लगती है जब तक कि आप एक मॉक टेस्ट ना दो तो मैंने मेरी लाइफ का पहला मॉक टेस्ट दिया जिसके अंदर मुझे 180 में से 23 मार्क्स आए 180 में से 23 मार्क्स आए और इसके बाद लगातार एक के बाद एक हर महीने में मॉक टेस्ट देता चला गया मॉक टेस्ट में फेल होता चला गया क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आता था तो मेरा ड्रेसिंग सेंस उतना अच्छा नहीं था मेरी इंग्लिश लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं थी मैं क्वेश्चंस को नहीं समझ पाता था और मेरी मॉक टेस्ट में आ रही लगातार लो परफॉर्मेंस को देख देख कर मुझे मेरे आसपास के लोग जो बड़े शहर से आते थे बड़े घर से आते थे अक्सर चिढ़ाया करते थे बुली किया करते थे और मेरी लो परफॉर्मेंस को देख करके मुझे लग रहा था कि मैं अपने पेरेंट्स का हार्ड एंड मनी कोटा आके बर्बाद कर रहा हूँ मैंने अपने स्टडी आवर्स बढ़ा दिए मैंने अपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग पर डे बढ़ा दिए मैंने अपनी नींद और भूख को सेक्रीफाइस किया और और हार्ड वर्क करने की कोशिश की लेकिन उससे भी मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम में मॉक टेस्ट के रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया मैंने अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर से बात की अपने मैंटर्स से बात की अपने टॉपर दोस्तों से बात की और उन सभी लोगों ने मुझे एक ही चीज़ कही कि आप प्रैक्टिस करते रहो आप जे की प्रिपरेशन करते रहो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मैंने कुछ और मॉक टेस्ट एग्जाम्स दिए और उसमें मैं फिर से फ़ेल हो गया बहुत लो परफॉर्म किया इसके बाद मैं पूरी तरीके से टूट चुका था मैं बहुत रोया मैंने अपने फ़ादर को कॉल किया और उन्हें बताया कि मैं जे क्लियर नहीं कर पाऊँगा uh, मेरा वो आई नहीं है मेरा वो फ़ोकस नहीं है कि मैं आई आई टी जैसी टफ़ एग्ज़ामिनेशन क्लियर कर पाऊँ उस टाइम पे मुझे याद है मेरे फादर ने मुझसे कहा कि uh, अगर हमने एक साल जेई की प्रिपरेशन कर ली है तो क्यों ना एक साल और करके देखें और अगर फिर नहीं होता है तो देखेंगे आगे क्या करना है ये बात को मेरा मानने को मेरा दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन सम हाउ आई परसिस्टिड मैंने अगले एक साल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया कोई स्कूल ज्वाइन नहीं किया और मैंने सोचा कि मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके अभी तक जो पढ़ा है उन कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करूंगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं घर वापस नहीं गया मैं कोटा में ही रह करके सेल्फ स्टडी करने का प्लान बनाया बट ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा वही करें जैसा आप सोचें क्योंकि आपका एक साइकोफिजिकल नेचर होता है आपकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो बार बार आपको वो चीज़ें करने पर मजबूर करेगी जो आपके लिए करना नेचुरल तो उस एक साल मैंने पढ़ाई बहुत कम की और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा की मैं कोटा में आने वाले अलग अलग स्टूडेंट्स टीचर्स मिनटर्स बिजनेस ओनर्स से जाकर इंटरेक्ट करता चाय की टफरी पे या कहीं भी जब वो मुझे मिलते और मैं उनसे इंटरेक्ट करता तो इंटरक्ट करने के बाद अक्सर मुझे लगता कि मैं अपनी लाइफ का कीमती समय बर्बाद कर रहा हूँ अपने पेरेंट्स का जो हार्ड एंड मनी है वो बर्बाद कर रहा हूँ और मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं कोटा में रह कर के वो चीज़ नहीं कर रहा जिसके लिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने यहाँ भेजा है तो मैं उनका पैसा बर्बाद नहीं करूँगा और मैंने कोटा में ही कुछ छोटी छोटी जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर दी जैसे शुरुआत में मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पैम्पलेट सड़कों पे बांटे फिर मैंने आ, कोटा में आने वाले नए स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिलाने का काम शुरू किया उन्हें स्कूल में एडमिशन दिलाने का काम शुरू किया जिससे मुझे रेफरल बोनस जिसका मुझे रेफरल बोनस मिला करता था या कुछ कमीशन मिला करता था इसी बीच मुझे मेरी लाइफ के जीतू भैया मिले रोहित सर रोहित सर आई कानपुर के एक एलमस्ट थे और अपनी सिटी बैंक बैंगलोर की जॉब छोड़ करके कोटा में आकर अपना एक स्टार्टअप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे उनका स्टार्टअप मेरे जैसे कमज़ोर जही स्टूडेंट्स को हेल्प करता था और इसीलिए मुझे उनका आइडिया बहुत पसंद आया तो मैंने कहा सर मुझे आपकी हेल्प करनी है मुझे आपको किसी तरीके से कंट्रीब्यूट करना है और उसके अगले ही दिन रोहित सर और मैं उनके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए सड़क पर पे पैम्पलेट्स बांटना शुरू कर दिए और मुझे मेरी लाइफ का पहला बिज़नेस लेसन मिला वो ये था कि अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है अपने बिज़नेस को बड़ा करना है तो आप चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति क्यों ना हो आप चाहे आई ही क्यों ना हो आपको अपने ईगो को साइड में रख कर सड़क पर उतर के हर वो छोटी चीज़ करनी होगी जिससे आप ग्रो कर सकते हो जिससे आपका बिजनेस ग्रो कर सकते हैं धीरे धीरे मैं उनकी कंपनी में एक टेलीकॉलर बन गया फिर उन्होंने मुझे डिजिटल मार्केटिंग सेल्स सिखाई और मैं एक पार्ट टाइम इंटर्न की तरह उनकी कंपनी में काम करने लगा उन्होंने मुझे एक और स्टार्टअप से कनेक्ट किया जिसके फाउंडर्स यूके से अपना मास्टर्स कंप्लीट करके आए थे और कोटा में एक प्रीमियम हॉस्टल चेन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ मेरा काम हुआ करता था उनकी फाइनेंशियल शीट्स को मेंटेन करना और उनके हॉस्टल्स की कुछ स्टूडेंट क्वारीस को रिजॉल्व करना इस तरीके से मैंने एक साल तक दो अलग अलग स्टार्टअप में काम किया लेकिन ये सब मेरे लिए इतना आसान नहीं था मैं अपने आई आई टी के सपने से बहुत दूर आ गया था मुझे बहुत डर लग रहा था उस समय पर और क्योंकि मैं अपना खर्च खुद उठा रहा था तो मुझे एज अ टीन काफ़ी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा था लाइक मैं अपने बाकी के दोस्तों की तरह रेगुलर कपड़े नहीं ख़रीद सकता था ब्रांडेड शूज़ नहीं खरीद सकता था आईफोन नहीं ख़रीद सकता था और मुझे एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक सी लाइफ जीनी पड़ रही थी जहाँ मैं हार्डली अपने रूम का रेंट पे कर पाता था और अपने फूड एक्सपेंसिस को मैनेज कर पाता था मैं कोटा में ही रह करके छोटे छोटे बिजनेस एक्सपेरिमेंट करने लगा और फाइनली अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी में जब लॉकडाउन लगा तो कोटा के सभी स्टूडेंट्स को अपनी जेई की प्रिपरेशन छोड़ करके वापस अपने घर जाना पड़ा और इन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा चैलेंज था इनकी आने वाली जेई एडवांस की जेई मेंस की एग्जाम जो कि अगले दो या तीन महीने में थी और उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए उन्हें वो स्टडी मटेरियल चाहिए था जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इन्हें भर भर के दिया था और ये कोटा ही छोड़कर आ चुके थे कई सारे पेरेंट्स की जॉब जा चुकी थी लेकिन उन्हें रेगुलर हॉस्टल फ़ीस भरनी पड़ रही थी और तब मेरे दिमाग में आया कि क्या हुआ अगर मैं आई आई टी क्लियर नहीं कर पाया क्या हुआ अगर मेरा आई में जाने का सपना पूरा नहीं हो पाया क्या मैं उन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ जो सच में आई में जाने का पोटेंशियल रखते हैं और मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने छोटे से गांव से निकल करके फिर से कोटा जाऊंगा एक लॉजिस्टिक कंपनी क्रिएट करूंगा और इन सभी स्टूडेंट्स का सारा स्टडी मटेरियल कोटा से इंडिया के अलग अलग पार्ट में रिलोकेट करूंगा मैंने अपने पेरेंट्स को लॉकडाउन में कन्विंस किया कि मैं अपनी लाइफ का रिस्क ले करके हज़ारों लोगों से मिलूंगा और उनका सामान रिलोकेट करूंगा। मैं अपने गांव से कोटा वापस पहुंचा। मैंने कुछ लॉजिस्टिक्स कंपनी से टाई अप किया अपने फ्रेंड्स को अपने इनिशिएटिव के बारे में बताया और धीरे धीरे कुछ ऑर्डर्स आने लगे इस टाइम पे मुझे सबसे ज़्यादा काम आया वो नेटवर्क जो मैंने एक साल पहले अपने जेई के ड्रॉप ईयर में बनाया था वो सभी लोग मेरे पोटेंशियल कस्टमर बन गए और उन्होंने मेरे बिजनेस को फ्री में प्रमोट किया बहुत जल्द हमने तीन हज़ार स्टूडेंट्स को कोटा से रिलोकेट किया आठ महीने के अंदर सत्तर लाख का रेवेन्यू जनरेट किया और इस कंपनी को कोटा से पुणे और पुणे से बेंगलौर तक एक्सपैंड किया मेरी अर्ली एज सक्सेस स्टोरी में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था मैं बेंगलोर की इलेक्ट्रॉनिक सिटी फेज़ वन में रहा करता था और एच एस आर लेआउट में हमारा ऑफिस हुआ करता था लेकिन उसी समय मेरी गर्लफ्रेंड जो कि मुझे अपनी जे प्रिपरेशन के दौरान मिली थी उसका मैसेज आया हम लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे और हमारा रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा था क्योंकि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में उसे टाइम नहीं दे पा रहा था रिसेंटली उसके आई आई जेई का रिज़ल्ट आया था उसका आई में सिलेक्शन हो गया था मैं इस बात को लेकर के बड़ा खुश था लेकिन उसके मैसेज में लिखा था कि शायद हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं और अब उसके पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वो इस रिलेशनशिप में अब टाइम नहीं दे पाई मैंने उस समय पे इस सिचुएशन को ऐसे परसीव किया कि मैं एक ट्वेल्थ ड्रॉप आउट हूँ ट्वेल्थ फेलियर हूँ और वो अब एक आई है और चाहे मैं कितना ही बड़ा बिजनेस क्यों ना बन जाऊँ मैं रहूँगा तो ट्वेल्थ फेल और शायद इसी उसने मुझे छोड़ दिया इस बात ने मुझे अंदर तक जला दिया था मेरे ईगो को अंदर तक हर्ट कर दिया था मैं सेपरेशन और जलेसी की आँख में जल रहा था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी मुझे आई आई टी क्रैक करके आई में जाना है मैंने बैंगलोर में ही रह करके जेई की प्रिपरेशन शुरू की कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन आई आई टी का कोर्स लिया क्योंकि उस टाइम पे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन काम नहीं कर रही थी मैंने जे की प्रिपरेशन शुरू की लेकिन क्योंकि मैं अंदर से जलेसी और सेपरेशन में जल रहा था मुझे बार बार नेगेटिव थाट्स आ रहे थे मैं बार बार अकेला फील कर रहा था मैं बार बार फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था और एक क्वेश्चन जिसने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया वो ये कि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ देखने के बाद और इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे खुशियां क्यों नहीं मिल रही मुझे हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रही और इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते मुझे एक दिन भगवत गीता मिली और उसमें एक श्लोक था जो कि कहता था अशाश्वतम दुखालयम जिसका मतलब है दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ मिजरी दिस वर्ल्ड इज अ प्लेस ऑफ परमानेंट मिजरी एंड टेम्प्रेरी हैप्पीनेस आगे माइंड के बारे में लिखा था चंचलम ही मनम कृष्णा जिसका मतलब था कि द माइंड इज बाय नेचर वेरी रेस्टलेस वेरी हार्ड टू कंट्रोल एंड वेरी स्ट्रांग मुझे लगा ये तो सब मेरे माइंड के बारे में है ये तो मेरी लाइफ के बारे में है और वहीं से मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर दी क्योंकि मैं कोचिंग ऑनलाइन ले रहा था और लॉकडाउन चल रहा था तो मेरे पास ये फ्रीडम थी कि मैं अपनी जे की प्रिपरेशन के साथ साथ अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी पे भी काम कर सकूं मैं अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में ट्रैवल करने लगा बेंगलोर से मैं कोयम्बटूर के ईशा फाउंडेशन गया जहाँ मैं एक महीने रुका इसके बाद मैं कुछ दिन हैदराबाद रुका और फाइनली मैंने अपनी जे प्रिपरेशन के लास्ट फोर मंथ एक मोनेस्ट्री में इसकॉन में एज अ मंक बिताए जिस मोनेस्ट्री से मैं आता था वहाँ के मंग्स अपनी एजुकेशन लाइफ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही क्वालिफाइड थे उनमें से कई मंग्स आईआईटी से थे एनआईटी से थे और कईयों ने अपने पहले अटैम्प्ट में सीए जैसी टफ़ एग्जामिनेशनस को क्रैक किया था मोनेस्ट्री के मेरे सीनियर मंग्स जो कि आईआईटी से थे वो अक्सर मुझे आईआईटी आई टी क्रैक करने के फंडे दिया करते थे जो कि मुझे बाद में एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत काम आए दोज़ फोर मंथ्स इन अ मोनेस्ट्री एट इसकॉन कम्प्लीटली चेंज माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज माई परस्पेक्टिव ऑफ सीइंग दिस वर्ल्ड और मुझे रियलाइज़ हुआ कि गॉड हेज़ गिवन मी सो मच समाइम्स इन फॉर्म ऑफ अचीवमेंट समाइम्स इन फॉर्म ऑफ पेंस बट आई एम सो सेल्फिश सो सेल्फिश दैट मैंने उन्हें रिटर्न में कुछ वापस नहीं किया एंड दिस चेंज माई परपज़ ऑफ क्लियरिंग जेई जिस जेई को मैं जेलिसी और एनवियसनेस के कारण अपने ब्रेकअप के कारण क्लियर करना चाहता था अब मुझे उसी जेई को एक बड़े पर्पज़ के लिए क्लियर करना चाहता था आई वॉन्टेड टू क्लियर जेई सो दैट I can get into IIT and serve my God and this society in a better way। इसके कुछ मन महीनों बाद मैंने अपना JEE mains का पहला attempt दिया जिसे मैंने qualified कर लिया इसके बाद मैंने अपने number of mock test बढ़ा दिए मैं अपने strong subjects पर और strong chapters पे focus करने लगा और बहुत ही जल्द क्योंकि lockdown चल रहा था तो मैंने अब बहुत ही जल्द मेरे JEE एडवांस की exam आ गई और मैंने JEE एडवांस की exam दी जल्द ही जई एडवांस का रिजल्ट आया और मेरी रैंक आई थी ऑल इंडिया थ्री जीरो वन फाइव मुझे याद है वो दिन जिस दिन आई टी एडवांस का रिजल्ट आया था हम लोग बहुत ही खुश थे और हमने मोनेस्ट्री में बहुत सेलिब्रेट किया था कीर्तन करके बहुत सारा डिलीशियस प्रसाद बना था और मंगस के साथ अपनी फैमिली के साथ वो डे मुझे आज भी याद है कि किस तरीके से हमने सेलिब्रेट किया था लाइफ में ज़्यादा परेशान मत हुई कि क्या मैं ये अचीव कर पाऊँगा या क्या मैं अचीव मैं ये अचीव नहीं कर पाऊँगा जो चीज़ आपके हाथ में है और जिस चीज़ को करने की सबसे ज़्यादा जरूरत है बस उसे अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग करते रहिए और याद रखिए कि अपने हसलिंग डे में ईट लेस स्लीपलेस और बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करने के लिए छोटे छोटे सेक्रीफाइस की ज़रूरत होती है अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए एंड एट दी एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स जो स्टॉक मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ मैं अपनी स्टोरी बाकी के जी एक्सपेरियंस को शेयर कर सका थैंक यू सो मच